मेरे प्यारे दोस्तों, भैया जी का 5 मिनट में सीखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं भैया जी और मैं आपको सॉफ्टवेयर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपकी अपनी भाषा हिंदी में सिखाऊंगा, जिससे कि आप एक बार सीख गए तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल का जो एजेंडा है वो है स्नोफ्लेक स्कीमा के बारे में जानना। सबसे पहले स्कीमा क्या होता है। जब आप ओरेकल या SQL सर्वर डाटाबेस सिस्टम में काम करते हैं तो आपने जनरली देखा होगा जो भी टेबल जिस पे आप काम करते हैं वो किसी न किसी स्कीमा से बिलोंग करता है। बहुत हाई लेवल पे अगर ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो भी स्कीमा होता है वो एक विजुअल प्रेजेंटेशन होता है डाटाबेस का फॉर एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट और सेगमेंट से रिलेटेड जितने भी टेबल्स हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि टेबल्स आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं और इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है क्या है एग्जैक्टली। और जो स्नोफ्लेक स्कीमा है ये ट्रांजैक्शनल डाटाबेस सिस्टम से डिफरेंट जो डाटा वेयर हाउस सिस्टम होता है जिसको कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस ओलेप डाटाबेस भी कहते हैं, इसका जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग वहाँ पे स्नोफ्लेक स्कीमा का यूज करते हैं, जिससे कि हम बेटर एनालिटिकल सिस्टम को डिजाइन कर पाएँ और हमारा जो रिजल्ट है जो आउटपुट है वो बेटर हो, जिसको कि हम बेहतर तरीके से रिपोर्टिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं। तो आइए चलिए ज़्यादा और जानकारी हासिल करते हैं इसके बारे में। सो पहले हम लोग देखते हैं स्टार स्कीमा, व्हाट इज स्टार स्कीमा, क्योंकि अगर आपको एक बार स्टार स्कीमा अच्छे से समझ में आ गया तो आपके लिए जो है स्नोफ्लेक स्कीमा समझना बहुत ही इजी होगा। अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन को तो जो विजुअल प्रेजेंटेशन होता है स्टार स्कीमा का स्टार के तरह ही होता है। इसमें जो है आपका एक सिंगल फैक्ट टेबल होता है और मल्टीपल डायमेंशन टेबल होता है, और जो सारे डायमेंशन टेबल होते हैं वो फैक्ट टेबल से जुटे हुए होते हैं। सो जो जितने भी आपके डायमेंशन टेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल सिटी डायमेंशन टेबल और स्टेट डायमेंशन टेबल और प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल, तो इसमें जो है आपको उसके एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और सिटी आईडी, सिटी नेम, सिटी डिटेल्स, ऐसे करके जो है पूरे उसके काइंड ऑफ द मास्टर डिटेल इंफॉर्मेशन होता है जो कि डायमेंशन टेबल में होता है। और जो फैक्ट टेबल होता है वो एक काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन टेबल होता है जिसमें कि सारे डायमेंशन टेबल के जो प्राइमरी की के जो रेफरेंस हैं आईडीज वो होंगे फैक्ट टेबल में, और जो न्यूमेरिकल डाटा होगा फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी और प्रोडक्ट सेल्स डिटेल्स, तो वो जो है आपको फैक्ट टेबल में होगा। अगर आप डिफिनेशन देखें तो ए स्टार स्कीमा इज ए डाटा मॉडल दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल टेबल टाइप ए सिंगल फैक्ट टेबल एंड मल्टीपल डायमेंशन टेबल। और जो जो फैक्ट टेबल है दैट इज द सेंट्रल टेबल इन अ स्टार स्कीमा ऑफ अ डाटा वेयर हाउस सिस्टम, एंड डायमेंशन टेबल्स प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्ड्स इन द फैक्ट टेबल। तो ये जो है ओवरऑल स्टार स्कीमा का जो है डिफिनेशन है और अंडरस्टैंडिंग है। स्टार स्कीमा मॉडलिंग को अच्छी तरह समझने के लिए एक रिटेल शॉप का एग्जांपल लेते हैं। ऐसा आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास जो है एक इंटरनेशनल शॉपिंग ब्रांड है और जिसका कि थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड अक्रॉस द वर्ल्ड है, और आप चाहते हैं कि जो है फिजिकल लोकेशन वाइज जो है परचेज डाटा को एनालाइज करें।
जैसे कि ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, परचेज डेट, स्टोर का नाम, प्रोडक्ट कौन सा है और आइटम आईडी, अमाउंट और ऐसे करके और बहुत सारे कॉलम और हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ रोज जब हो जाएगा तो जब आप रिपोर्ट के लिए क्यूरी जब लिखेंगे तो दैट विल बी वेरी स्लो एंड आल्सो ये जो है आपको आपका जो ट्रांजेक्शन सिस्टम है उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप फाइनली क्या करते हैं, आप एक डाटा वेयर हाउस सिस्टम डिजाइन करते हैं और जो बेसिक स्कीमा यूजुअली जो डिजाइन होता है वो जो है स्टार स्कीमा होता है। तो कुछ कुछ ऐसा आपका डिजाइन हो सकता है जो फैक्ट सेल टेबल जो होगा, जो फैक्ट टेबल होगा जो सेंटर में होगा, जिसमें कि आप जो है ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और जो है परचेज का डेट, स्टोर आईडी और परचेज अमाउंट जो है आपका फैक्ट टेबल में रहेगा। और जैसे आप ऑर्डर आईडी यहाँ पर यूज किए हैं तो ऑर्डर का जो डायमेंशन टेबल होगा वो एक हो जाएगा। उसके बाद जो है कस्टमर आईडी है तो कस्टमर का भी होगा, प्रोडक्ट आईडी है तो प्रोडक्ट का भी होगा, स्टोर आईडी है तो स्टोर का भी डायमेंशन टेबल होगा। इस तरह से चार डिफरेंट डायमेंशन टेबल हो जाएगा और सबका जो है प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन डायमेंशन से जो है आपका फैक्ट टेबल हो जाएगा। अब आप जब समझेंगे स्नोफ्लेक स्कीमा के बारे में तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जो स्टार स्कीमा वो क्या होता है। अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो ये लगभग लगभग स्टार स्कीमा के जैसा ही दिखेगा, इसका जो फर्स्ट सर्किल है, बट उसके ऊपर अगर आप और देखेंगे तो ये फिर से जो डायमेंशन टेबल है उसको सब डायमेंशन टेबल में डिवाइड कर देते हैं और जिसको कि लुकअप टेबल्स भी कहते हैं। तो फैक्ट टेबल तो आपको जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन जो डायमेंशन टेबल है उसको हम जो है फर्दर उसका सब डायमेंशन टेबल जो है एक या एक से ज़्यादा सब डायमेंशन टेबल उस डायमेंशन टेबल का क्रिएट करते हैं। और जो विजुअली ये देखने में एक जो है स्नोफ्लेक के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम जो है स्नोफ्लेक स्कीमा रखा गया है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है सेल्स स्नोफ्लेक स्कीमा का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जैसे कि जो कंट्री फील्ड है कस्टमर का उसको फर्दर ब्रेक करके या आप कह सकते हैं स्प्लिट करके दो जो है डायमेंशन टेबल बना दिया गया है। और फिर आप अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट जो डायमेंशन टेबल है उसको फर्दर स्प्लिट करके चार डिफरेंट डायमेंशन टेबल और क्रिएट किया गया है, जैसे कि एक कलर के लिए, एक साइज के लिए, एक प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए और एक प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए। तो ये इस तरह से हम जो है हम लोग स्नोफ्लेक स्कीमा का डिज़ाइन करते हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं, जो स्टार स्कीमा होता है उसमें फैक्ट टेबल सेंटर में होता है और डायमेंशन टेबल जो है उसके चारों तरफ होता है, और इसका जो डिज़ाइन होता है वो स्टार की तरह होता है, इसलिए इसको स्टार स्कीमा बोलते हैं। सेम स्टार स्कीमा में जब हम डायमेंशन टेबल को फर्दर स्प्लिट करके मल्टीपल डायमेंशन टेबल क्रिएट करते हैं तो जो है उसको हम लोग स्नोफ्लेक स्कीमा बोलते हैं, और वो दिखने में स्नोफ्लेक के जैसा होता है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो और अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो तो बेझिझक होकर के नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब जितना जल्दी हो दे सकूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये लर्निंग वीडियो देखने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बाकी का वीडियो भी ज़रूर देखिए जिससे कि आपको पूरा लर्निंग हो।